बच्चों, पिछले अध्याय में आपने कोशिका के बारे में जाना। कोशिका एक कैसे दिखती है, कोशिका के कार्य क्या क्या होते हैं, ये आपने जाना। चलिए बच्चों, यहाँ पर कुछ कोशिकाओं का समूह आपको दिखाई दे रहा है। आप पहचानने का प्रयास करिए कि ये कोशिकाओं का समूह किसका है। तो आप पहचान लिए होंगे कि ये जो कोशिका का समूह है, ये रीढ़ की पत्ती की निचली सतह का कोशिका का समूह है। ऐसे ही ये जो कोशिकाओं का समूह आपको दिखाई दे रहा है, ये गाल की कोशिकाओं का समूह है। ऐसे आपने और भी अन्य कोशिकाओं के समूह के बारे में जाना है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, तंत्रिका कोशिका, पेशी कोशिका, अस्थि कोशिका, जनन कोशिका। तो ऐसे विभिन्न प्रकार की कोशिका का समूह आपको दिखाई दे रहा है और इनके बारे में आपने पिछले अध्याय में पढ़ा है। तो ये जो कोशिका का समूह हमें दिखाई दे रहा है, इन कोशिकाओं के समूह के क्या कोई कार्य होते हैं, ये किस प्रकार के कार्य करते हैं, चलिए इसे समझने के लिए हम एक क्रियाकलाप करके देखेंगे। इस क्रियाकलाप को आपको करके देखना है और कुछ प्रश्नों के उत्तर भी निकालने का प्रयास करना है। तो इस क्रियाकलाप के लिए आपको आवश्यकता पड़ेगी कोमल तने वाले पौधे की। जैसे कि कोमल तने वाले पौधे होते हैं, जिमीकंद है, मनी प्लांट है, सदाबहार के जो पौधे होते हैं, इनके जो तने होते हैं वो कोमल होते हैं। इन पौधों की आपको दो शाखाएं लेनी है। एक शाखा की आपको आड़ी काट लेनी है इस प्रकार से, और एक शाखा की आपको खड़ी काट लेनी है कुछ इस प्रकार से। आड़ी और खड़ी काट लेने के बाद आपको इन कोशिकाओं के समूह को हैंड लेंस की सहायता से देखना है। तो जब बच्चों आप हैंड लेंस की सहायता से इन कोशिकाओं के समूह को देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगी। और जैसा भी अवलोकन आप कर रहे हैं, इसका चित्र बनाने का प्रयास कीजिए। और वो जो आप चित्र बना रहे, क्या कुछ इस प्रकार से बन रहा है। अब बच्चों, जो हमने दूसरी शाखा ली थी, उस दूसरी शाखा को आपको एक गिलास पानी में स्याही की बूंदें डालनी है। अब स्याही की बूंदें मतलब यहाँ पर आपको लाल स्याही का उपयोग करना है। लाल स्याही से जो पानी है वो लाल कलर का हो जाएगा। तो लाल स्याही के उपयोग से क्या होगा, जो पानी का रंग है वो लाल कलर का हो जाएगा। स्याही हमें इतनी डालनी है कि पानी का रंग गहरा लाल हो जाए। अब इस गहरे लाल रंग के पानी में आपको किसी भी पौधे के, चाहे जिमीकंद हो, मनी प्लांट या सदाबहार, की एक शाखा को डालना है। अब इस शाखा को डालने के बाद इसे आपको 2 घंटे के लिए कम से कम धूप में रखना है। 2 घंटे के बाद आप इस शाखा को निकाल लिए। अब इस शाखा को आप देखिए, आपको दिख रही है ये शाखा थोड़ी सी लाल हो गई है। अब लाल हो गई है तो आपको देखना है कि अंदर की कोशिकाओं का जो समूह है, क्या ये भी लाल हो गया है। तो अब आप क्या करेंगे, इन कोशिका, ये जो शाखा है, इस शाखा की भी आपको आड़ी और खड़ी काट लेनी है। आड़ी और खड़ी काट लेने के बाद आप इसका भी अवलोकन करेंगे। अब इसके पहले जब हमने आड़ी और खड़ी काट ली थी, और अब जो रंगीन शाखा है उसकी भी आड़ी और खड़ी काट ली है, क्या दोनों में कुछ अंतर आपको दिखाई दे रहा है? बिल्कुल आपको अंतर दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि इस शाखा को हमने रंगीन पानी में नहीं डाला था, जबकि जो दूसरी शाखा थी उसको रंगीन पानी में डाला था। तो वहाँ की कुछ कोशिकाएं आपको देखिए रंगीन दिखाई दे रही होगी। ये जो कोशिकाओं का समूह जो आपको रंगीन दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं इन कोशिकाओं का समूह पानी का संवहन कर रहा होगा, तभी आपको ये रंगीन दिखाई दे रही है। तो पानी का संवहन कर रहा होगा मतलब पानी को ऊपर तक ले जाने का प्रयास कर रही है। ये जो कोशिकाओं का समूह है, ये पानी को पौधे के ऊपरी भागों तक ले जाने का प्रयास करते हैं। तो इन कोशिकाओं का जो समूह है, ये क्या कार्य कर रहा है, पानी के संवहन का कार्य कर रहा है। तो
जो भी कोशिका होती है, कोशिकाओं का जो समूह होता है वो कोई ना कोई कार्य करता है। बच्चों, पिछली क्रियाकलाप में हमने कोशिकाओं के समूह को देखा था, अभी हम ये देखेंगे कि कोशिकाओं के समूहों का कार्य क्या होता है, वे कार्य कैसे करते हैं। हमारे पास डेवलप तंत्र है, हर काम को करने के लिए अलग अलग सिस्टम है, लेकिन पौधों में जो कोशिकाएं हैं, हर कोशिकाओं का अपना एक समूह होता है, और उन कोशिकाओं के द्वारा क्या कार्य किया जाता है ये देखने के लिए हम एक ऐसे पौधे का चुनाव करेंगे जिसकी तना काफी नर्म हो, सॉफ्ट हो। ऐसे पौधे की हम दो शाखाएं लेंगे, ब्लेड की सहायता से उसको सीधा काटेंगे ताकि किसी भी प्रकार की आड़ी तिरछी उसमें या खिंचाव ना हो। हम इस प्रकार से दो तने को काट लेंगे और लेंस की सहायता से हम ये देखेंगे कि ये जो सरफेस है वो सरफेस बिल्कुल समतल होना चाहिए, एकदम समतल सरफेस जो कि इसमें हमने काटा हुआ है, इसमें दिख रहा है वो। ऐसे हमने दो तना को काट के रखा हुआ है, एक तने को हम रंगीन पानी में डाल के 2 घंटे के लिए धूप में रख देंगे ताकि इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो। 2 घंटे के लिए हमने रंगीन पानी युक्त फ्लास्क में जो प्लांट का टुकड़ा डाला हुआ है उसे हमने धूप में रख दिया है ताकि उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती रहे। तब तक हम इस पौधे का देखेंगे, चूंकि ये ताजा अभी हमने तोड़ के लाया हुआ है, तो इस पौधे में जो कोशिकाओं का समूह है, हम इस पौधे का ट्रांसवर्स सेक्शन, ट्रांसवर्स अनुप्रस्थ काट और आपका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, लंबवत काट, दोनों काट काटेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि इसकी संरचना कैसी दिख रही है। उन संरचनाओं को हम अपनी कॉपी में बना के संरचना और लक्षणों को नोट कर लेंगे। एक साथ काफी सारा काट लेंगे ताकि सबसे पतला का चुनाव करने में दिक्कत ना हो। अभी हमने TS लिया था, अब हम इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कट करके देखेंगे कि इसकी संरचना कैसी दिखती है, और इन संरचनाओं को हम कॉपी में बनाते भी जाएंगे और इसके रंगों को भी नोट कर लेंगे कि ये किस प्रकार का दिख रहा है। अभी हमने जो प्रक्रिया इस पौधे में किया उसका ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन दोनों लिया है, सेम प्रक्रिया हम रंगीन पानी में जो पौधा डाला गया है, अब हम इस पौधे का भी सेम लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स सेक्शन काटेंगे, उसकी संरचना को नोट करेंगे, देखेंगे, और जो पहले की संरचना है उन दोनों संरचनाओं को हम कंपेयर करेंगे कि क्या परिवर्तन हुआ है। हम पहले इसका TS काटेंगे, ट्रांसवर्स सेक्शन, उसके बाद हम इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन लेंगे। ये सेम प्रक्रिया हमने कई बार की हुई है, बहुत सारी बारीक बारीक सेक्शन कटिंग करनी है, उसमें से फिर हमको सबसे पतले सेक्शन का चुनाव करके माइक्रोस्कोप में लगाकर देखना है। जैसे इसका ट्रांसवर्स सेक्शन लिया है, सेम इसके सेंटर से हम इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कट करेंगे जैसा पिछला का किया था। इसके लक्षणों को देखेंगे, संरचना को नोट करेंगे और दोनों का कंपेयर करेंगे जैसे मैं आपको दिखा रही हूं। इन दोनों में हमें काफी अंतर नॉर्मली देखने को मिल रहा है, एक कलरलेस है और एक कलरफुल है, जो गुलाबी रंग से रंजित है, जो ये बता रहा है कि वाटर का संवहन हुआ है, वाटर कंडक्शन नीचे से ऊपर की ओर हुआ है, और आप जब हम इसको देखेंगे तो एक पर्टिकुलर एरिया में ये बीच का पोर्शन पिंक या रेडिश नहीं हुआ है, ये पोर्शन पिंक या रेडिश नहीं हुआ, एक पर्टिकुलर एरिया ही
पिंक या रेडिश कलर का हुआ है, जो ये बता रहा है कि कोशिकाओं का एक निश्चित समूह है जो वाटर कंडक्शन का काम करता है। और यहाँ पे हमको कुछ भी कलरफुल नहीं दिख रहा है, और जैसी सेम इसमें व्हाइट कलर के स्ट्रक्चर है यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। पौधे की दोनों शाखाओं के दोनों सेक्शन को, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल, दोनों को जब हम कंपेयर किए तो हमें अंतर साफ दिखाई दिया। क्या आपको वो सारे अंतर स्पष्ट रूप से दिखाई दिए? और हमने ये भी देखा कि पौधे का कुछ भाग ही रंगीन दिख रहा है। इसका मतलब क्या उन पौधों के कुछ पर्टिकुलर कोशिकाओं का ही समूह है जो रंगीन दिख रहा है, या कुछ ऐसे कार्य होंगे जैसे जल का संवहन, वाटर कंडक्शन का काम केवल एक ही प्रकार की कोशिकाएं की, हम ऐसा कह सकते हैं क्या? जब हम ऐसा प्रयोग अलग अलग पौधों में करेंगे, बार बार करेंगे, तो आप सब ये पाएंगे कि कुछ पर्टिकुलर कोशिकाओं का समूह ही कुछ विशिष्ट प्रकार के कार्यों को करता है। चलिए, पानी के संवहन का कार्य तो हम समझ गए, क्या कोशिकाओं, पौधे की जो अन्य कोशिकाएं होती है उनके क्या क्या कार्य होते हैं, इसे जानने के लिए चलिए बच्चों कुछ क्रियाकलाप को हम देखते हैं। हेलो बच्चों, आइए आज हम जानेंगे कि पौधे लंबाई में कैसे वृद्धि करते हैं। इसके लिए मेरे पास हरे मूंग के बीज हैं। इन हरे मूंग के बीजों को मैंने 3 दिन पहले भिगो कर रखा था। भीगे हुए बीजों को मैंने सूती कपड़े में बांध कर लटका कर रखे और उसे गीला रहने दिया। 3 दिन पश्चात मुझे ये अंकुरित बीज प्राप्त हुए। इन अंकुरित बीजों में से कुछ बीजों को मैंने वॉच ग्लास ए और वॉच ग्लास बी में रखा। वॉच ग्लास ए और बी के सभी अंकुरित बीजों के मूलांकुरों को मैंने इस धागे से मापा और मैं ये अभी माप रही हूँ। देखते हैं इसकी लंबाई कितनी है। अब इस धागे से मैंने इसलिए मैं माप रही हूँ इसलिए क्योंकि ये मुड़े हुए मूलांकुर है। अब इस धागे से मैंने स्केल से इसे मापा है और यह है 1 सेंटीमीटर। इसे मैं नोट कर रही हूँ। इसी प्रकार बाकी मूलांकुरों की लंबाई को भी हम माप लेंगे और सभी को इसी प्रकार नोट करते जाएंगे। हमने वॉच ग्लास बी के मूलांकुरों की लंबाई को नाप लिया है। अब वॉच ग्लास बी में रखे सभी बीजों के मूलांकुरों के अग्र सिरे को हम ब्लेड की सहायता से काट देंगे। ये मैंने अग्र सिरे को काट दिया। और इस प्रकार सभी बीजों के मूलांकुरों के अग्र सिरों को काटकर हम इसे 5 दिनों के लिए ऐसे ही रख देंगे। अब 5 दिनों के बाद हम मिलते हैं और देखते हैं कि मूलांकुरों के लंबाई में क्या परिवर्तन होता है। तो बच्चों, 5 दिनों बाद हम मिल रहे हैं। अब हम देखते हैं कि इन वॉच ग्लास में रखे हुए बीजों के मूलांकुरों के लंबाई में क्या परिवर्तन आया है। इसके लिए हम वॉच ग्लास ए के बीजों के मूलांकुरों को मापेंगे। वॉच ग्लास ए में रखे इन बीजों के मूलांकुरों को हम इस धागे की सहायता से माप रहे हैं। ये वे बीज हैं जिनके मूलांकुरों के अग्र सिरे को हमने नहीं काटा था। अब इसकी लंबाई देखते हैं। अरे, इसकी लंबाई में तो बहुत परिवर्तन हो गया है। ये अब 2.2 सेंटीमीटर है। इसे हम नोट कर लेते हैं। इसी तरह हम बाकी सभी बीजों के मूलांकुरों को इस धागे की सहायता से उनकी लंबाई माप लेंगे। वॉच ग्लास बी में रखे हुए बीजों के मूलांकुरों की लंबाई हम इस धागे की सहायता से मापते हैं। ये वे बीज हैं जिनके मूलांकुरों के अग्र सिरे हम काट दिए थे। इसे माप रहे हैं। ये 1 सेंटीमीटर है। पहले भी ये 1 सेंटीमीटर थे और अब भी ये 1 सेंटीमीटर है, यानी इनकी लंबाई में कोई वृद्धि नहीं हुआ।
तो देखा बच्चों, वॉच ग्लास ए में रखे बीजों के मूलांकुरों के लंबाई में वृद्धि हुई। इसका कारण ये है कि उनके मूलांकुरों के अग्र सिरे में कुछ ऐसी कोशिकाओं के समूह होते हैं जो लगातार विभाजित होते रहते हैं और जिसके कारण उनकी लंबाई में वृद्धि होती रहती है। इसके विपरीत वॉच ग्लास बी में रखे बीजों के मूलांकुरों के लंबाई में कोई वृद्धि नहीं हुई। इसका कारण ये है कि हमने क्या किया था, उनके अग्र सिरों को काटकर अलग कर दिया था, जिस वजह से उनकी वृद्धि नहीं हुई। इस क्रियाकलाप के लिए हमें चाहिए अंकुरित बीजों के कटे हुए मूलांकुर जो यहाँ पर रखे हुए वॉच ग्लास में। इसे सबसे पहले हम एक स्लाइड पर लेते हैं। इसमें पानी के एक बूंद डाल देंगे ताकि ये सूख न जाए, कुछ इस प्रकार से। इसे अभिरंजित करने के लिए हमें आलता, स्याही या सेफरनी, जो भी आपके पास उपलब्ध हो उसका आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने सेफरनीन का यूज़ किया है ताकि हमको कोशिकाएं रंगीन दिखाई दे। इसके लिए हम इसको सेफरनीन से अभिरंजित करते हैं। अब हम इसे इसमें एक बूंद ग्लिसरीन की डालेंगे। अब इसे निडल की सहायता से कवर स्लिप से ढक देंगे। कवर स्लिप से ढकते समय हमें ध्यान देना है कि इसमें हवा के बुलबुले प्रवेश न करें, इसलिए इसे हम धीरे धीरे ढकते हैं। ढकने के बाद हम इसे हल्का गर्म करेंगे। कुछ इस तरीके से हम इसे हल्का सा गर्म करेंगे। ये हल्की गर्म हो चुकी है, अब इसे हम हटा देते हैं और निडल या ब्रश की सहायता से हम इसको दबाएंगे। कवर स्लिप के बाहर निकले हुए सेफरनीन को हम ब्लॉटिंग पेपर की सहायता से पोंछ लेते हैं। अब हम इसे सूक्ष्मदर्शी में देखेंगे। इसमें कोशिकाओं का अवलोकन करेंगे कि मूलांकुरों की कोशिकाएं हमको किस प्रकार से दिखाई दे रही हैं। पौधों की वृद्धि के लिए जो कोशिकाएं आवश्यक होती है वो मूलांकुरों के शीर्ष भाग पर उपस्थित होती है, जिसे हमने स्लाइड में देखा। तो बच्चों, आपने अभी क्रियाकलाप देखा बीजों के मूलांकुरों का, और आपने देखा कि जो बीजों के मूलांकुर के अंतिम सिरों को जहाँ से काट दिया था उस बीजों के मूलांकुर में वृद्धि नहीं हुई, और जिन बीजों के मूलांकुरों के अंतिम सिरे को नहीं काटा था वहाँ पर मूलांकुरों की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। मतलब कहीं ना कहीं जो वृद्धि करने वाली कोशिकाओं का समूह था वो कहाँ पर उपस्थित था, मूलांकुरों के अंतिम सिरे पर। तो मूलांकुरों के अंतिम सिरे पर उन कोशिकाओं का समूह होता है जो पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है, और अगर हम उस हिस्से को काट देंगे तो पौधों की वृद्धि नहीं होगी। तो आपको ये समझ में आया कि पौधों की वृद्धि के लिए भी कुछ अलग प्रकार की व्यवस्था बनी हुई है, कुछ अलग प्रकार की कोशिकाओं का समूह बना है जो पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है।
तो बच्चों आपने देखा कि अभी हमने जो दो क्रियाकलाप समझे, एक में हमने देखा कि कुछ कोशिकाओं का जो समूह होता है ये पानी का संवहन कर रहा है, कुछ कोशिकाओं का जो समूह है वो पौधों की वृद्धि के लिए जिम्मेदार है। तो हम कह सकते हैं कि जो सजीव होते हैं मतलब पौधे या जंतुओं में अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं का समूह होता है और अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं के अलग अलग कार्य भी होते हैं, और इस प्रकार से पौधे और जंतु जो होते हैं ये संपूर्ण रूप से कार्य करते हैं। तो इन कोशिकाओं के समूह को ही हम क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं, और इसे इंग्लिश में हम कहते हैं टिश्यू। तो इस प्रकार से कोशिकाओं के समूह के एक व्यवस्था बनी हुई है, चाहे पौधों की बात करें चाहे जंतुओं की बात करें, जो कुछ कार्य करते हैं, और इन कोशिकाओं के समूह को ही हम ऊतक कहते हैं। तो हमें एक बात समझ में आई बच्चों कि कोशिकाओं से ही ऊतक का निर्माण होता है और इन ऊतक से ही अंग बनते हैं, अंग से अंग तंत्र, और फिर इस अंग तंत्र से पूरे शरीर का निर्माण होता है, चाहे हम पौधों की बात करें चाहे जंतुओं की बात करें। तो कोशिका जो कि सबसे छोटी इकाई है, किसी भी जीव की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है, और जब कोशिकाओं का समूह बनता है तब उसे हम क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं। अब ऊतक कितने प्रकार के होते हैं हम ये आगे पढ़ेंगे। अब ये ऊतक से मैं बोल रही हूँ कि अंग का निर्माण हो रहा है, जैसे कि अगर जंतु की बात करें तो आप जंतु में जानते हमारे शरीर में हृदय है, किडनी है, फेफड़े हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो अंग है ये अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं से बने हैं और इनके कार्य भी अलग अलग हैं, और इन अंगों से ही अंग तंत्र बनता है, जैसे कि हृदय से परिवहन तंत्र और फेफड़े से श्वसन तंत्र, ऐसे ही किडनी जो है ये उत्सर्जन तंत्र बनता है, और ये तंत्र जब एक साथ कार्य करते हैं, सबके अलग अलग कार्य होते हैं और जब एक साथ कार्य करते हैं, इस प्रकार से किसी भी जीव का शरीर कार्य करता है। अब बच्चों हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि ये ऊतक के बारे में पता कैसे चला, इसका क्या इतिहास है। तो हम बात कर रहे हैं 1799 की, उस समय एक वैज्ञानिक थे मॉरी फ्रैंकोइस जेवियर बिछट। इन्होंने कुछ रोगग्रसित कोशिकाओं का अवलोकन किया था जंतुओं में, और जब इन्होंने रोगग्रसित कोशिकाओं का अवलोकन किया था तो आश्चर्य की बात ये थी कि उन्होंने माइक्रोस्कोप का यूज नहीं किया था, और उस समय उन्होंने बताया था कि ये जो ऊतक होते हैं ये तीन प्रकार के होते हैं और तीन प्रकार के भागों में ऊतक को उन्होंने विभाजित किया था। पहला उन्होंने ये बताया था कि जो ऊतक रेशे के जैसे दिखाई दे रहे, रेशे के समान दिखाई दे रहे हैं, उसे उन्होंने फाइब्रस नाम दिया। फिर उन्होंने ये बताया कि जो ऊतक तरल या पानी के जैसे दिखाई दे रहे हैं उसे उन्होंने सीरस नाम दिया, और जो कुछ ऊतक ऐसे उन्हें दिखाई दिए जो चिपचिपे थे, और ऐसे ऊतक को उन्होंने कहा म्यूकस। ऐसा नहीं कि केवल बिछट ही ऊतक के बारे में बता पाए, और बिछट ने ही ऊतक को टिश्यू नाम दिया था। उसके पहले एक शताब्दी पूर्व कुछ अन्य वैज्ञानिक थे जिन्होंने ऊतक के बारे में बताया था, और ये वैज्ञानिक जंतु और पौधों की कोशिकाओं के समूह का अवलोकन कर रहे थे, उनकी बनावट देख रहे थे, उनकी संरचना और उनके कार्य के बारे में देख रहे थे, और उस आधार पर उन्होंने भी ऊतक के बारे में जानकारी दी। उस समय एक और वैज्ञानिक थे जिनका नाम था नेहमिया ग्रीव। ये वैज्ञानिक ने पौधे में दो प्रकार के जैविक भाग होते ये बताया था। एक भाग को उन्होंने नाम दे दिया था पीथी या मज्जा, और दूसरा जो भाग उन्होंने बताया था वो था काष्ठीय या वुडी। ग्रीव ही ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने पैरेन्काइमा ऊतक के बारे में बताया था, मतलब ऐसी कोशिकाओं का समूह उन्होंने ढूंढ निकाला था जिसका उन्होंने नाम दिया था पैरेन्काइमा ऊतक। और ये जो पैरेन्काइमा ऊतक होते हैं उन्होंने बताया था कि ये पतली झिल्ली वाले नरम स्पॉन्जी होते हैं, साथ ही द्रव से भरी कोशिका होती है, ऐसा उन्होंने बताया था। उसके बाद जो दूसरे वैज्ञानिक आए उनका नाम था शिल्डन और शॉन।
ये 1838 के समय की बात है, जब शिल्डन और शॉन ने पक्षी के पंख की आड़ी काट का अवलोकन किया और उनको आश्चर्य हुआ कि पक्षी की आड़ी का काट में जो कोशिकाएं दिखाई दे रही थी, वो ग्रीव में जो पौधों में कोशिका देखी थी, लगभग वैसी ही कोशिकाएं उनको पक्षी के पंख में दिखाई दे रही थी। और इसके अलावा शिल्डन और शॉन ने भेड़ शिशु के पेट की आंतरिक सतह का भी अवलोकन किया था, वहाँ पर भी कुछ कोशिकाओं के समूह को देखा था और उन्हें यहाँ पर भी आश्चर्य हुआ कि ये जो कोशिकाओं का समूह होता है, हूबहू पैरेन्काइमा जो कि पौधों में पाए जाने वाली कोशिका है, उनके जैसे मिलता जुलता उनको दिखाई दिया। इसके बाद जो वैज्ञानिक थे नगेली, जो एक वनस्पति शास्त्री थे, इस वैज्ञानिक ने फॉर्मेटिव और स्टेबल कोशिकाओं के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि फॉर्मेटिव कोशिका ऐसी कोशिकाएं होती है जो बहुत तेज़ी से वृद्धि करती हैं, और उन्होंने ये बताया थी कि ये जो कोशिकाएं होती है ये पौधों की जड़ों में और तनों के शीर्ष भाग पर उपस्थित होती है। ऐसे ही इन कोशिकाओं को उन्होंने जंतुओं में भी देखा था, जंतुओं के रक्त में, त्वचा में भी इस प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, ये भी नगेली ने बताया था। साथ ही उन्होंने पौधों की कोशिकाओं का भी अवलोकन किया था और वहाँ पर नलिका जैसी जो कोशिकाएं दिखाई दे रही थी और जो कि संवहन का कार्य करती थी, किसका संवहन? पानी, खनिज लवण, भोजन का संवहन का कार्य कर रही थी, ऐसी कोशिकाओं को उन्होंने नाम दे लिया जाइलम और फ्लोयम। और नगेली की तरह ही शिल्डन और शॉन भी तेजी से वृद्धि करने वाली कोशिकाएं, मतलब मैरिस्मेटिक कोशिका के बारे में जानने का प्रयास कर रहे थे और उन्होंने भी ऐसे ऊतक को देखने का प्रयास किया। और उन्होंने ये बताया कि जो कोशिकाएं होती है जब वो विभाजित होना शुरू करती है तब वो कोशिकाएं बहुत ही आकार में छोटी होती हैं, इनके जो केंद्रक होते हैं बहुत बड़े होते हैं, साथ में इसमें जो कोशिका द्रव्य होता है इनकी मात्रा बहुत कम होती है। जैसे ही ये कोशिका परिपक्व होने लगती है, मैच्योर होने लगती है, इन कोशिकाओं का आकार बड़ा हो जाता है और जो केंद्रक इसमें पाए जाते हैं ये बहुत छोटे हो जाते हैं, कोशिका द्रव्य की मात्रा पर्याप्त हो जाती है, साथ ही जो कोशिका झिल्ली है, कोशिका भित्ति है, ये आकार में थोड़ी सी मोटी हो जाती है। इस प्रकार से शिल्डन और शॉन ने बताया कि कैसे जो कोशिकाएं होती है ये कुछ समय बाद मैच्योर होने के बाद, परिपक्व होने के बाद बदल जाती है। तो इस प्रकार बच्चों, अलग अलग समय में अलग अलग वैज्ञानिकों ने कोशिकाओं के समूह, उनकी व्यवस्था, उनकी संरचना, उनके कार्य के बारे में जानने का प्रयास किया। और ये जो वैज्ञानिक थे इन्होंने केवल पौधों की कोशिका नहीं बल्कि जंतुओं की कोशिकाओं का भी उतना ही अध्ययन किया था। और पौधों और जंतु कोशिकाओं में जो ऊतक पाए जाते हैं उनमें किन किस प्रकार की समानता है, किस प्रकार का अंतर है, ये भी जानने का प्रयास उन्होंने किया था। बच्चों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे शरीर में भी कुछ ऊतक ऐसे पाए जाते हैं जो हूबहू पौधों में पाए जाने वाले ऊतक के समान दिखाई देते हैं, मतलब इनमें अंतर कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ऐसे ही जो जंतु ऊतक होते हैं ये बहुत ही सॉफ्ट, कोमल होते हैं पौधों की ऊतक की अपेक्षा। और इस ऊतक की व्यवस्था और इनके कार्य के आधार पर शिल्डन और शॉन ने भी कोशिका सिद्धांत दिया था, और कोशिका सिद्धांत के बारे में आप पिछले चैप्टर में जान चुके हैं। इस कोशिका सिद्धांत के कुछ मुख्य बिंदु के बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। शिल्डन और शॉन ने बताया कि पौधों में संवहन का कार्य करने वाले या पौधों को सहारा देने वाले अधिकांश जो ऊतक होते हैं ये मृत होते हैं, मृत ऊतक, या इन्हें हम डेड सेल्स भी कहते हैं, जबकि जंतुओं में जीवित ऊतक ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। अब इसका कारण एक यह भी है कि जो पौधे होते हैं इनमें मूवमेंट या ये गतिमान नहीं होते हैं, ये एक ही जगह स्थिर होते हैं,
इसलिए इनमें ज़्यादातर जो ऊतक होते हैं ये कैसे होते हैं, मृत होते हैं। जबकि जंतुओं में जो ऊतक पाए जाते हैं ये जीवित ज़्यादा पाए जाते हैं, जबकि मृत ऊतक की मात्रा बहुत ही कम होती है। तो क्योंकि जंतुओं में हर कार्य करने के लिए, जैसे पोषण प्राप्त करने के लिए या भोजन को ढूंढने के लिए, जंतु को क्या करना पड़ता है, एक स्थान से दूसरे स्थान जाना पड़ता है। मतलब उनमें मूवमेंट होता है, उनमें गति ज़्यादा होती है, इसलिए जंतुओं में जीवित कोशिकाएं ज़्यादा दिखाई देती हैं। अब उस समय शिल्डन और शॉन ने यह भी बताया कि पौधों में कुछ ऐसी कोशिकाओं के समूह हैं जो विभाजित होने वाले और अविभाजित होने वाले जो कोशिकाएं हैं उनमें हम अंतर आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि जो विभाजित होने वाली कोशिकाएं जो होती है वो छोटी होती है, पतली झिल्ली वाली होती है, जबकि अविभाजित जो कोशिकाएं होती है, अविभाजित का मतलब है यहाँ पर जिनमें अब विभाजन नहीं हो रहा है, ये कोशिकाएं कैसी हो जाती हैं, ये कुछ समय बाद बड़ी हो जाती है और मोटी भित्ति वाली हो जाती है। तो इस प्रकार का डिफरेंस, इस प्रकार का अंतर हम पौधों की कोशिकाओं में आसानी से देख सकते हैं कि ये विभाजित होने वाली कोशिकाएं हैं और ये अविभाजित होने वाली कोशिकाएं हैं। मतलब अविभाजित मतलब हम कह सकते हैं कि ये डेड सेल है, इस इनमें अब विभाजन नहीं हो रहा है, जबकि जंतु कोशिकाओं में ऐसे कोशिकाओं को ढूंढ पाना बहुत ही मुश्किल है। अब हम पढ़ेंगे ऊतकों का समूहीकरण। ऊतक दो प्रकार के होते हैं, पादप ऊतक और जंतु ऊतक। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पादप ऊतक की या प्लांट टिश्यू की। किसी भी पौधे की अगर हम बात करें तो पौधे के अलग अलग भागों में अलग अलग प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं और ये अलग अलग प्रकार के ऊतक के अलग अलग कार्य होते हैं, और जब ये अलग अलग कार्य करते हैं तो इस प्रकार से पूरे पौधे के कार्य का सुचारू रूप से चलना होता है, या हम कह सकते हैं कि पूरा पौधा जो होता है वो सुचारू रूप से कार्य करता है। तो पादप ऊतक को उनके विभाजन के आधार पर, मतलब कोशिकाओं के विभाजन की जो क्षमता पाई जाती है इनके आधार पर दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है प्रविभाज्य ऊतक, या जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। दूसरा है स्थायी ऊतक या परमानेंट टिश्यू। प्रविभाज्य ऊतक मतलब इन कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता पाई जाती है, मतलब ये कोशिकाएं ऐसी होती है जो विभाजित होती रहती है। जबकि स्थायी ऊतक की अगर हम बात करेंगे तो इनमें कोशिकाओं का विभाजन जो होता है एक समय के बाद रुक जाता है, या कुछ समय के लिए कोशिका विभाजित होती है, बाद में कोशिका विभाजन रुक जाने के कारण इसे हम कहते हैं स्थायी ऊतक। प्रविभाज्य जो ऊतक होते हैं ये पौधों के जड़ और तने के शीर्ष भाग में पाए जाते हैं, और इनके वृद्धि करने से या इनके विभाजन से ही पौधे की वृद्धि होती है। अगर ये ऊतक इन हिस्सों में नहीं होंगे तो पौधे की वृद्धि नहीं होगी। स्थायी ऊतक, जैसे कि अभी हमने बात की थी, ये कुछ समय इनमें वृद्धि होती है और फिर इनकी वृद्धि रुक जाती है, इसलिए ये जो ऊतक होते हैं ये स्थायी ऊतक कहलाते हैं, या हम कह सकते हैं कि प्रविभाजी ऊतक ही बाद में स्थायी ऊतक में बदल जाते हैं। अब स्थायी ऊतक जो होते हैं इनके संगठन के आधार पर ये दो भागों में इन्हें विभाजित किया गया है। पहला है सरल ऊतक, सिंपल टिश्यू। दूसरा है जटिल ऊतक या कॉम्प्लेक्स टिश्यू। सरल ऊतक मतलब ऐसे ऊतक जो एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं या इनमें एक ही प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। सरल ऊतक को इनकी स्थिति व कार्य के आधार पर दो भागों में विभाजित किया गया है। एक है त्वचीय ऊतक या डर्मल टिश्यू, दूसरा है भरण ऊतक या ग्राउंड टिश्यू। अब हम बात कर रहे हैं जटिल ऊतक की। जटिल ऊतक ऐसे ऊतक होते हैं जिनकी कोशिकाएं एक या एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बनी होती है। जटिल ऊतक या संवहन ऊतक ये ऐसे ऊतक है जो एक या एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं सरल ऊतक में त्वचीय ऊतक की।
तो त्वचीय ऊतक मतलब नाम से ही समझ में आ रहे हैं, त्वचा जिसको हम डर्मल टिश्यू कह रहे हैं, मतलब पौधे के विभिन्न अंग का जो बाहरी आवरण बना होता है, पौधे को जो ढाक के रखता है या उसका जो बाहरी आवरण बना होता है वो किस प्रकार के ऊतक से, किस प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है, त्वचीय ऊतक से बना होता है। जबकि जो भरण ऊतक या ग्राउंड टिश्यू जो होते हैं ये पौधे के विभिन्न भागों का निर्माण करते हैं। अब ये त्वचीय जो ऊतक होते हैं ये पौधों को सहारा देने का कार्य भी कर रहे हैं, सुरक्षा प्रदान भी कर रहे हैं, और ये बाह्य आवरण बनाने का भी कार्य कर रहे हैं। ठीक है, भरण ऊतक को इनके विभिन्न भागों के निर्माण के आधार पर तीन भागों में विभाजित किया गया है। ये तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है पैरेन्काइमा, जिसे हम कहते हैं मृदुतक ऊतक। दूसरा होता है कोलेन्काइमा, स्थेलोकोणात्मक ऊतक। तीसरा होता है स्क्लेरेन्काइमा, जिसे हम कहते हैं दृढ़ोतक ऊतक। स्थायी ऊतक, इनके संगठन के आधार पर इन्हें दो भागों में विभाजित किया गया है। एक है सरल ऊतक और दूसरा है जटिल ऊतक। सरल ऊतक सिंपल टिश्यू, जटिल ऊतक कॉम्प्लेक्स टिश्यू। सरल ऊतक मतलब ऐसे ऊतक जो एक ही प्रकार की कोशिकाओं के बने होते हैं। जटिल ऊतक मतलब ऐसे ऊतक जो एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं। सरल ऊतक को इनकी स्थिति व कार्य के आधार पर, मतलब कोशिकाओं की स्थिति और उनके कार्य के आधार पर दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है त्वचीय ऊतक या डर्मल टिश्यू और दूसरा है भरण ऊतक या ग्राउंड टिश्यू। त्वचीय ऊतक मतलब ये पौधों के विभिन्न अंगों मतलब बाहरी आवरण का निर्माण कर रहे हैं और साथ ही ये सुरक्षा प्रदान करने का कार्य भी कर रहे हैं। ऐसे ही है भरण ऊतक, जो पौधों में विभिन्न भागों का निर्माण कर रहे हैं, जिसमें तीन प्रकार के भरण ऊतक है। पहला है पैरेन्काइमा, जिसे हम हिंदी में कहते हैं मृदुतक ऊतक। दूसरा है कोलेन्काइमा, जिसे हिंदी में कहते हैं स्थूल कोणोतक ऊतक। तीसरा है स्क्लेरेन्काइमा या दृढ़ोतक ऊतक। सबसे पहले हम बात करते हैं पैरेन्काइमा ऊतक की। पैरेन्काइमा ऊतक को आप पहचान सकते हैं देखकर, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पतली झिल्ली वाले ऊतक होते हैं। इनकी जो झिल्ली होती है बहुत ही पतली होती है, ये नर्म और स्पॉन्जी भी होते हैं। इसको डिटेल में हम आगे और पढ़ेंगे। तो पैरेन्काइमा ऊतक, इनका कार्य क्या होता है, ये भोजन को संग्रहित करना और अवशोषित करने का इनका कार्य होता है। अब ये हमको कहाँ पर दिखाई देंगे, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं फल का गूदा, जैसे आम के फल का गूदा है, संतरे का गूदा है, केले का गूदा है, इनमें आपको ये पैरेन्काइमा टिश्यू दिखाई देंगे जब आप इसे माइक्रोस्कोप में दिखाई देखेंगे तब। दूसरा होता है कोलेन्काइमा। कोलेन्काइमा ये ऐसे ऊतक होते हैं जो पौधे को यांत्रिक सहायता प्रदान करते हैं या लोच प्रदान करते हैं, मतलब ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करते पौधों को। और इनकी जो कोशिकाएँ होती है पैरेन्काइमा के कंपैरिजन में मोटी भित्ति वाली होती है। कैसे होती है कोशिका, इसकी मोटी होती है। तीसरा जो है वो है स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा, इनका कार्य होता है पोषक तत्वों पानी के वितरण में सहायता करता है, साथ ही ये यांत्रिक सहायता प्रदान भी करता है पौधों को। जैसे कि आपने देखा है संतरे के बीज थोड़े से हार्ड होते हैं, इनके जो कवरिंग होती है थोड़ी कठोर होती है, या सीताफल के बीज आप देखेंगे इनके जो कवरिंग होती है ये कैसी होती है, हार्ड होती है, कठोर होती है, क्योंकि इनमें कौन से ऊतक पाए जाते हैं, स्क्लेरेन्काइमा ऊतक पाए जाते हैं। और ये हार्डनेस किस वजह से होती है, क्योंकि इनकी जो कोशिका भित्ति होती है लिग्निन के जमाव के कारण बहुत ज़्यादा मोटी हो जाती है, इसलिए ये हमें हार्ड दिखाई देते हैं। ठीक है, तो पौधों की अगर आप त्वचा या बार्क की बात करें, यहाँ पर आप देख रहे हैं पौधों की बार्क, इसकी जो कवरिंग है ये भी कैसी है, मोटी है, थिक है, कठोर है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, लिग्निन का जमा हो रहा है। तो पैरेन्काइमा और कोलेन्काइमा के कंपैरिजन में इसकी जो कोशिका भित्ति होती है लिग्निन के जमाव के कारण बहुत ज़्यादा मोटी हो जाती है और इसलिए ये कठोर प्रतीत होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरे प्रकार की ऊतक की, जो कि है जटिल ऊतक
या जिसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू। जटिल ऊतक को इस संवहन के आधार पर, मतलब कोशिका की स्थिति और कार्य के आधार पर, दो भागों में विभाजित किया गया है। एक है जाइलम और दूसरा है फ्लोएम। तो जाइलम और फ्लोएम के बारे में बच्चों प्रश्न आता है, तो जाइलम और फ्लोएम किस प्रकार के ऊतक हो गए? ये संवहन ऊतक हो गए, ये वैस्कुलर टिश्यू है। अब जाइलम का क्या कार्य है? यहाँ पर आप जाइलम देख रहे हैं, जाइलम किस प्रकार से दिख रहा है? जाइलम का कार्य होता है पानी और खनिज लवण को जड़ से पत्ती तक पहुँचाने का कार्य जाइलम का होता है। दूसरा जो ऊतक होता है वो होता है फ्लोएम। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्लोएम टिश्यूज को। फ्लोएम ये पत्ती में बने भोजन को पौधे के विभिन्न भागों में पहुँचाने का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से परीक्षा में प्रश्न आता है, जाइलम और फ्लोएम के कार्य लिखिए। तो आपको ये लिखना होगा कि किस प्रकार से पानी और खनिज लवण को पत्ती तक पहुंचाने का कार्य जाइलम करते हैं, और बने हुए भोजन को पत्ती से पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाने का कार्य कौन करते हैं? फ्लोएम करते हैं। इस प्रकार से पादप ऊतक को कोशिकाओं के विभाजन की क्षमता के आधार पर विभाजित किया गया है।